तो भाई लोग T20 ब्लास्ट 2023 का जो ट्यूसडे का पहला मैच है ना, उस मैच में केंट के सामने होगा समरसेट। अगर हम यहाँ पे केंट की बात करें तो अभी तक दो मैच खेला, एक जीता एक हारा, मतलब ठीक है एक जीते एक हारे, लेकिन समरसेट की बात करें तो दो मैच खेला, दोनों मैच जीता। भैया हम तो यहाँ पे मैच वैच हारने ना आए, हम तो जीतने आए हमेशा की तरह। वैसे केंट भी हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करता था। भैया ये दोनों टीमें आमने सामने हैं, तो आज के मैच में क्या होगा, क्या केंट जीतेगा या फिर जीतेगा समरसेट? अगर हम वैसे इस मैच की बात करें तो केंट के ना होम ग्राउंड में मैच खेला जाएगा, कहाँ पे, सेंट लॉरेंस ग्राउंड सेंचरबरी में। यहाँ के मैदान पे अभी तक T20 ब्लास्ट के 51 मैच खेले गए, जिसमें से 32 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड एंड 18 मैच में क्या हुआ टारगेट चेंज, एक मैच में टारगेट टाई रहा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ज्यादा मैचों में क्या होता है टारगेट डिफेंड होता है, इसलिए भैया यहाँ के मैदान पे जिस टीम के बीच में सिक्का गिरता है ना, वो टीम कहती है भैया हमको तो डिफेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंड ज्यादा होता है। हालांकि एक मैच टाई भी हुआ, लेकिन डिफेंड थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 174, 174 रन, टारगेट चेंज की बात करें तो 166, 166 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 182, 182 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 166 से 182 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अभी तो मामला बराबरी का आ गया, चेंज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना वो हार्ड है, जिसकी वजह से होता क्या, शुरू के 3-4 ओवर जो तेज गेंदबाज है ना उनको स्विंग मिलता है दोनों तरफ, तो शुरू में 3-4 ओवर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है जो बॉल होता है ना बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहां के जो कंडीशन है ना वो थोड़ी सी बैटिंग कंडीशन है। स्पिनर्स गेंदबाजों की बात करें तो उनको एक आता दो विकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा पिटाई भी होती है जो स्पिनर्स गेंदबाज है, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्री लेंथ है ना वो थोड़ी सी मीडियम है, इसलिए जो मैच है ना भाई साहब थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। मतलब पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 49 से 54 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 165 से 180 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, वो करेगी मैदान पते, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केंट की। केंट की बात करें तो शायद अपने खेमे में कोई भी चेंज ना करे, सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरे, क्योंकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है टवांडा में आएंगे साथ डेनियल बेल डरमेट आते हैं। अगर हम यहाँ पे टवांडा की बात करें तो टवांडा किसी मैच में चल रहे किसी मैच में नहीं चल रहे, लेकिन डेनियल बेल डरमेट की बात करें तो काफी ज्यादा कमाल के ओपनर हैं, जो लगातार सभी मैचों में रन बनाते हैं और तेज तर्रार शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं कि स्लो मोशन में खेलते हैं, तेज तर्रार शुरुआत करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो डेनली खेलने आते हैं, जो डेनली की बात करते हैं थोड़ा सा इनिंग को संभालते हैं, अगर मान लो जल्दी विकेट उगर गिर गया तो कहते हैं जो डेनली मैं हूं ना मैं संभाल लूंगा। उसके बाद चौथे नंबर पर सैम बिलिंग्स कप्तान आते हैं। सैम बिलिंग्स की बात करें तो आप सबको पता कमाल का बल्लेबाज है, ये विकेट गिरे हो क्या हो कैसा माहौल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लौंडा चौके छक्के लगाता रहता रन बनाता रहता, जो मिडिल ओवर में बहुत अच्छे से रन गति को बढ़ा के लेके चलते हैं। अब जब फिनिश करने की बारी आती है तो जॉर्डन कॉक्स और लॉरी एवेंस ये दोनों काफी गजब तरीके से फिनिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जरूरत पड़ने पर जेमी ओबर्टन भी है इनके पास जो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो केंट की बल्लेबाजी ना वो लंबी है और इसके साथ साथ बेहतर भी नजर आ रही। गेंदबाजी की बात करें तो इनकी जो गेंदबाजी है ना वो भी काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जॉर्डन क्लार्क की बात करें तो न्यू बॉल से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद डेथ में भी जो इनकी लाइन लेंथ होती है यॉर्कर होती काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। सीन एबॉट की बात करें तो न्यू बॉल से ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, मिडिल में भी बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं और डेथ में जिस तरह से वेरिएशन करते हैं नकल बॉल ओवर का इस्तेमाल करते हैं ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। गस अटकिंसन भी ठीक ठाक गेंदबाजी करके जाते हैं, मतलब जैसी जरूरत वैसी गेंदबाजी करके जाते हैं, लेकिन हम इन तीन गेंदबाजों के अलावा बात करें तो जो चौथा और पांचवा गेंदबाज है ना वो थोड़ा सा अवरेज है, किसका, केंट का, इसीलिए एक मैच जीते एक मैच हार गए। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे समरसेट की बात करें ये बोलेंगे भैया हम तो दो मैच के लिए दोनों जीते तो हम क्यों चेंज करेंगे, कोई भी चेंज ना करेंगे क्योंकि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है टॉम बेंटन एक कप्तान लेविस जॉर्जरी। टॉम बेंटन की बात करें तो काफी कुछ टाइम से जो इनकी फॉर्म है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, एक आता मैच में बढ़िया पारी आती है तो दो तीन मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। लेविस जॉर्जरी की बात करें तो इनकी भी वही कहानी है, लेकिन मतलब ये दोनों इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बोलेंगे नहीं यार अपने आप को थोड़ा सा और मौका देते हैं। लेकिन इसके बाद जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं बिल स्मिथ, बिल स्मिथ की बात करें तो कमाल के बल्लेबाज है, जो तेजी से रन बनाते हैं लगातार रन बनाते हैं कंटिन्यू बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, भाई साहब बिल स्मिथ कमाल का बल्लेबाज है। उसके बाद जो इनका मिडिल ऑर्डर संभालते हैं टॉम कोलर कॉडमैन एंड टॉम एबल। अगर हम यहाँ पे टॉम कोलर कैडमोर की बात करें तो ये ना लंबी लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, मतलब जब इनको शुरुआत मिल जाती
जाती है तो ये 10-20-25 या 30 रनों पर नहीं रुकते, 70-80-90 या 70 लगा के पारी खेलते हैं। टॉम एबल की भी वही कहानी है, मतलब फिनिश भी अच्छा करते हैं लेकिन जरूरत पड़ती संभालने को तो टीम को संभालते भी हैं। टॉम लेमन भी इनके पास है। टॉम लेमन भी की बात करें तो ये लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, काफी बढ़िया तरीके से ये फिनिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो बल्लेबाजी की बात करें वो काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही, जो नाम है काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं किसमें समरसेट में, लेकिन 1-2 बल्लेबाज या 3 बल्लेबाज अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो बाकी के बल्लेबाजी वो इतनी अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी कर जाते हैं, कहते कोई बात नहीं आप अपना टाइम ले लो, टेक योर टाइम, क्योंकि हम तो मैचेस जीत रहे हैं। और साथ में इनकी जो गेंदबाजी है ना वो जबरदस्त, अगर ये 2 मैच के लिए दोनों जीते तो ज्यादातर इनके गेंदबाजों का हाथ है, क्योंकि इनके गेंदबाजों ने काफी इंपैक्टफुल गेंदबाजी करी। पीटर सिडल और मैट हेनरी जब ये दोनों न्यू बॉल से गेंदबाजी करते हैं ना भैया, वो कमाल की गेंदबाजी होती है, मतलब स्विंग भी करते हैं, विकेट भी लेते हैं, रन भी नहीं देते, और ये दोनों डेथ में भी काफी ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी करके जाते हैं, मैट हेनरी एंड पीटर सिडल। क्रेग ओवरटन की बात करते हैं, इनको भी जहां अगर न्यू बॉल से कराओ तो न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं, मिडिल में कराओ तो मिडिल में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और डेथ में कराओ तो डेथ में, कहते हैं जहां मुझे यूज करोगे हम तो वहीं ढल जाएंगे। रिवॉल्व वंडर मैरो की बात करते हैं, मिडिल में जो स्पिन गेंदबाजी डालते हैं, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। तो अगर हम बात करें जो इनकी गेंदबाजी वो काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है किसके, समरसेट की। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, इससे पहले 21 बार आमना सामना हुआ, जिसमें से 14 मैच केंट जीता, 7 मैच जीता समरसेट, यानी जो केंट की टीम है ना हमेशा समरसेट के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, कहती भैया हमारे सामने तुम मैच जीतोगे, हमें तो लगता वक्ता नहीं है। और बात करें सेंट लॉरेंस ग्राउंड पे, तो यहां पे इससे पहले इनके बीच में 8 मैच खेला गया जिसमें से 6 मैच जीता केंट, 2 मैच जीत पाया कौन, समरसेट, यानी जो केंट की टीम है अपने होम ग्राउंड पे जो समरसेट की टीम है ना इनका समरसमूर बना के भगा देती है, मैच वैच जीतने ना देती। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो केंट ने 2 मैच जीता, समरसेट ने जीते 3। तो अगर यहां पे लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो समरसेट बिल्कुल थोड़ा सा केंट से बेहतर नजर आ रहा था। समरसेट सोचेगा भैया फिर से इनको मैच हराते हैं और आगे निकल जाते हैं, केंट बोलेगा मौका अच्छा है, अपने घर में ना पलटवार करते हैं, इनको मैच हराते हैं और हम इनसे आगे निकल जाते हैं। तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा, क्या केंट जीतेगा या जीतेगा समरसेट, चलो जानते हैं। लेकिन भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, और आपको पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम यहां पे देखें तो भैया जो मुझे मामला है ना वो थोड़ा सा बराबरी का नजर आ रहा है, 50 केंट 50 समरसेट, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना समरसेट अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, क्यों ज्वाइन करना है आपको पता ना, T20 ब्लास्ट चल रहे हैं, TNPL भी स्टार्ट होने वाली, द 100 लीग भी स्टार्ट होने वाली, इंटरनेशनल मैचेस भी तो होने वाले, इन सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज़ का ध्यान देना, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना ली गई, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।